तो दोस्तों बोनशाई जंगल कैसा लगा? सुंदर लगा ना? तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल वीपीएन गार्डनिंग एंड टूरिज्म। दोस्तों आप ये जो बोनशाई जंगल देख रहे हो, इसे हमने पिछली वीडियो में तैयार किया था और उस वीडियो में पूरी जानकारी दी थी कि बोनशाई जंगल हमें कैसे तैयार करना है। तो दोस्तों ये खूबसूरत सा जंगल कैसे तैयार किया है, इसका जो पुराना वीडियो है, पिछला वीडियो है, उसका मैं लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। तो दोस्तों जो पिछली वीडियो है उसमें आपने देखा हमने इसे ग्रो करके महीने दो महीने के लिए छोड़ दिया था ताकि इस प्लांट की अच्छे से ग्रोथ होती रहे। तो इसके अंदर मैं पानी डाल के दिखा रहा हूँ दोस्तों, देखिए हमारा जो प्लांट है वो रेडी हो चुका है। और इस वीडियो में दोस्तों आगे का जो कार्य हमारा बचा हुआ है वो हम करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, यानी कि पार्ट नंबर दो। दोस्तों आप ये जो प्लांट देख रहे हो, इसे हमने पिछली वीडियो में तैयार किया था और लगभग दो महीने के लिए दोस्तों इसे हमने ऐसे ही छोड़ दिया था ताकि इसकी ग्रोथ हो जाए। तो अभी आप इस प्लांट की ग्रोथ देख रहे हो दोस्तों। चलिए पहले मैं इसका लुक दिखा देता हूँ, जो खूबसूरत सा इसका लुक तैयार हुआ है। ये देखिए दोस्तों, जो हमने ग्रास लगाई थी वो काफ़ी खूबसूरत तैयार हो चुकी है और काफ़ी बड़ी बड़ी हो चुकी है। तो दोस्तों सबसे पहले इस प्लांट का जो खूबसूरत सा व्यू तैयार हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दोस्तों आप काफ़ी बड़ी एक पहाड़ी देख रहे हैं, उसके ऊपर एक पेड़ है जो काफ़ी पुराना है और उसकी जो रूट्स है, देखिए दोस्तों एरियल रूट्स काफ़ी सुंदर नज़र आ रही है। ये देखिए दोस्तों एरियल रूट मैं आपको दिखा रहा हूँ और इस प्लांट की ब्रांचें काफ़ी बड़ी हो चुकी है। ये दोस्तों एक काफ़ी बड़ी गहरी खाई नज़र आ रही है हमें, और एक ये दूसरा पेड़ है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों काफ़ी खूबसूरत है। तो दोस्तों असली इसका जो रूप है इस प्लांट का वो मैं आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी छोटे से गमले में हमें इसको तैयार किया है और इस प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों, दोस्तों आज हम इसमें कटिंग करने वाले हैं और एक सुंदर रूप इस प्लांट को हम देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों कुछ टूल्स हमें चाहिए वो मैं ले लेता हूँ, जिसमें सबसे मेन कार्य कैंची का रहेगा। तो उस कैंची की सहायता से मैं इसको प्रूनिंग करने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, एक जो हमने छोटा सा पेड़ लगाया था यहाँ काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इस कैंची की सहायता से दोस्तों इसकी आगे की जो प्रूनिंग, जो आगे की ब्रांचें उन्हें मैं कट कर देता हूं ताकि एक सुंदर रूप आ सके। ये देखिए दोस्तों, चलिए मैं फटाफट इसकी प्रूनिंग कर देता हूं और ये जो हमारा पुल था दोस्तों इसको एक बार साइड में रख देता हूं। ये देखिए दोस्तों काफ़ी बड़ी बड़ी ब्रांचें हो गई इसकी लगभग दो महीने में। इस साइड दोस्तों ये ब्रांचें हैं, इनको भी मैं कट कर देता हूँ। दोस्तों जिस आकार का हमने ये पेड़ लगाया था उसी आकार में मैं वापस रखूँगा इसको और इसकी जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है उस सब को मैं रिमूव कर देता हूँ एक एक करके।
ये दोस्तों एक काफ़ी बड़ी ब्रांच नीचे नज़र आ रही है मुझे, इसको भी मैं काट देता हूँ। ये देखिए दोस्तों अभी हमारे प्लांट एक ब्रांच और है दोस्तों, ये देखिए काफ़ी बड़ी है, इसको मैं कट कर देता हूँ। उससे पहले इस प्लांट को थोड़ी सपोर्ट की आवश्यकता है, तो मैं ये छोटा सा पत्थर का टुकड़ा पड़ा ये लगा के इसको सीधा कर देता हूँ और इस ब्रांच को अब हम कट कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों जिस आकार में हमने ये पेड़ लगाया था वैसा ही तैयार हो चुका है और इसके ऊपर छोटी छोटी ये टहनियाँ और नज़र आ रही है मुझे, जो लुक इसका थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा, इसको मैं काट देता हूँ। ये देखिए दोस्तों एक छतरी नुमा हमारा सुंदर पौधा तैयार हो चुका है। अब मैं इस सेकंड नंबर के प्लांट जो हमने ग्राउंड में लगाया था इस पर कार्य करता हूँ। तो एक जड़ से जो शकर्स निकल रहा है इसको मैं काट देता हूँ और उसके बाद जो ऊपर इसकी एक्स्ट्रा ग्रोथ है उस सब की मैं प्रूनिंग कर देता हूँ फटाफट। तो दोस्तों लगभग इस प्लांट की प्रूनिंग हो चुकी है, ये देखिए काफ़ी खूबसूरत हमारा ये पौधा तैयार हो चुका है। अब जो पहाड़ी पे दो पौधे हमने लगाए थे इन पे थोड़ी सी कटिंग मैं और कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों जो नीचे के प्लांट है वो काफ़ी खूबसूरत हो गए हैं और ये जो हमने पहाड़ी पे दो पौधे लगाए थे इनको मैं कट कर देता हूँ यहाँ से, ताकि इनका जो एक लुक है वो भी शानदार नज़र आना स्टार्ट हो जाए। इस प्लांट की ग्रोथ दोस्तों कम हुई है, जो सेकंड नंबर प्लांट है जिसकी रियल रूट हमने तैयार की थी उसकी ग्रोथ अच्छी है। ये देखिए तो इस एरियल रूट वाले प्लांट का जो लुक है वो मैं शानदार कटिंग करके बना देता हूँ। ये देखिए दोस्तों इसकी एरियल रूट्स आप देख रहे हो, जिसके कारण काफ़ी सुंदर इसका लुक आ रहा है। एक ये ब्रांच है दोस्तों, इसको मैं जड़ से कट कर देता हूँ। ये देखिए काफ़ी लंबी हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा इसकी ग्रोथ हो चुकी है और इसकी साइड में जो टिप्स है दोस्तों आगे के वो मैं कट कर देता हूँ, ताकि एक से दो ब्रांचें बन जाए। ये जो हमारा प्लांट है दोस्तों ये पूरा भरा हुआ नज़र आए, तो इसके लिए जो आगे की टिप्स है उन सबको मैं कट कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों जेड प्लांट में टिप्स जो आगे के रहते हैं एक की जगह दो, दो की जगह चार निकलते हैं, इस हिसाब से जो हमारा प्लांट है वो एकदम भरा हुआ नज़र आता है। तो दोस्तों हमने इसकी प्रूनिंग कर चुके हैं, देखिए काफ़ी खूबसूरत हमारा जो पहाड़ी वाला पौधा है वो तैयार हो चुका है। ये देखिए आपको मैं टोटल व्यू दिखा देता हूँ। और दोस्तों जो हमने ग्रास लगाई है इसके अंदर इसकी भी थोड़ी थोड़ी मैं कटिंग कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी नज़र आ रही है जिसके कारण इसका लुक है वो अच्छा नहीं दिख रहा। तो इनकी जो पत्तियाँ हैं दोस्तों उनको आगे से मैं थोड़ा थोड़ा कट कर देता हूँ। ये देखिए एक घास उगा हुआ है दोस्तों, ये भी मैं निकाल दूँ, क्योंकि हमारी पहाड़ी छोटी और ये जो ग्रास है वो बड़ी नज़र आ रही है, तो जो एक लुक आना चाहिए वो नहीं आ रहा। इसके लिए मैं आगे से इन सभी जो ग्रास है कट कर रहा हूँ, ताकि हमारा जो लुक वो अच्छा दिखना स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सामने का बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि गार्डनिंग से संबंधित जेड प्लांट से संबंधित नई नई वीडियो जो मैं अपलोड करता हूं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों मैंने इस पुल भी रख दिया है हमारी इस रिवर में और जो एक्स्ट्रा पत्तियां हैं दोस्तों मैं उनको फटाफट निकाल देता हूं और इसके बाद हम इस रिवर में पानी डालने वाले हैं और इसका जो जूमिंग का व्यू है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो काफ़ी खूबसूरत नज़र आएगा। तो दोस्तों ये मैंने इस रिवर में पानी भर दिया है और इसका जो जूमिंग का व्यू है वो मैं आपको दिखा देता हूं। दोस्तों ये देखिए काफ़ी खूबसूरत लुक आ चुका है हमारे इस प्लांट का।
चलिए मैं साइड का भी व्यू दिखा दूं, ये देखिए दोस्तों, जेड प्लांट का जंगल आप सामने देख रहे हैं, ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों जंगल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जेड प्लांट से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछिए, मैं आपके हर क्वेश्चन का उत्तर दूंगा। जेड प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए दोस्तों एनपीके 19-19-19 महीने में दो बार 2 लीटर पानी में 1 चम्मच मिक्स करके आप प्लांट पर फंवारा दीजिए, जिससे आपके प्लांट की जो ग्रोथ है वो डबल गति से होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आज का ये था हमारा वीडियो, हमने एक छोटा सा जंगल तैयार किया है छोटे से गमले में। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये थी दोस्तों आज की हमारी अपडेट, जेड प्लांट से हम बोनसाई जंगल कैसे तैयार करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ब्रेक के बाद नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।